हैप्पी होली गाइस। सो आज मेरा अबीर वाली होली हम लोग की बिहार यूपी में 19 तारीख को होली सेलिब्रेशन। भगवान के जो अबीर लगता है उसके बाद हम लोग खुद में अबीर लगाते हैं एक दूसरे को। सो आज अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में नहावा के पहले अबीर लगा के उसके बाद हम लोग लगाएंगे, उसके बाद खाना पीना होगा। सो इसके लिए ब्लॉग्स में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी होली। सो हम लोग आप लोगों को जैसा कि ब्लॉग में शेयर किए थे कि दो दिन हम लोग होली सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो अभी मेरा फिलहाल आज भगवान जी का जो अबीर होता है ना वो आज हम लोग चढ़ाएंगे, क्योंकि मायके में भी आज ही होली है और ससुराल में भी आज ही होली है। तो कल हम लोग रंग वाला जो पानी वाला पिचकारी वाला होता है वो कल होली खेली है और आज अबीर वाला होली खेलेंगे। सो अभी हम जा रहे खाना पीना बना लेते हैं। तो आज बनेगा, कल चावल मटन सब बना, पूड़ी भुजिया, मतलब कल भी बना थोड़ा बहुत, आज भी बनेगा। आज मेन जो होता है ना होली का जो मेन बेस भी होता है वो पुआ होता है, मालपुआ जिसको आप लोग बोलते हैं। तो आज वो बनाने वाले हैं और अभी फ़िलहाल हम माता जी को सारे भगवान जी को अबीर से भोग लगा लिए हैं। अब उसके बाद अब जाएंगे मालपुआ वगैरह बनाएंगे। तो आज का कुछ ब्लॉग रहेगा, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। सो इसके लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आज थोड़ा सा आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे, क्योंकि होली सेलिब्रेशन का ब्लॉग मेरे को मतलब क्या ही बताया, बहुत सो एक्साइटेड रहते हैं। तो सोचते हैं कि आप लोग के साथ ब्लॉग करें, शेयर करें। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं। तो मालपुआ बनाते हैं, देखिए मेरा किस तरह से तैयारी है। वो डालेंगे इसमें, ये सूजी है, मैदा है, चीनी मिला के रात में भिगो के डाल दिए थे, अभी इसमें दूध पड़ेगा, ड्राई फ्रूट पड़ेगा। तो ये पूरे टेस्टी मालपुआ होने वाला है गाइस। तो अगर पुआ अच्छा वाला खाना है तो रात में ही भिगो के छोड़ दें तो बहुत ही सॉफ्ट पुआ बनता है। तो चलिए आगे मिलते हैं, पुआ बनाते हैं। तो इस तरह से चल रहा है मेरा कुछ साफ वाला है, ये यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए, अब इसमें दूध डाल के बस खाना है मालपुआ बन रहा है। कैसा बन रहा है गर्मा गर्म पुआ, होली का तो फेमस डिश है पुआ कचौड़ी। तो हम पुआ बन रहा है, देख सकते हैं मटाना पुआ, मटाना पुआ चलेगा। देख सकते हैं ये मेरा गर्मा गर्म पुआ बन के रेडी है, आइए आप लोग भी खाइए। संदल खाना है पुआ, ये है मेरा गर्मा गर्म पुआ गाइस रेडी, तो आइए आप लोग भी खाइए। क्या बना है, टेस्ट करिए, गर्म है क्या ज़्यादा, मीठा होता है थी संजल। अच्छा संजल कह रहा है मटन या चिकन चलेगा खा लिए, और पुआ चल रहा है पुआ मटन मुलायम है कारण ही नहीं है। सो गाइस कमेंट करके बताइएगा मेरा पुआ कैसा बना है। सो होली का सबसे फेमस डिश है पुआ, और आप लोग बताइए मेरा पुआ कैसा बना, मैं भी ज़्यादातर तो नहीं आता बट। सो गाइस आज हम लोग अभी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। सो हम लोग तीन दिन से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आज का अभी सेलिब्रेट होगा। सो हम लोग हो गए रेडी। दीदी भाभी हेलो हेलो बोलते जाइए, हैप्पी होली बोलते जाइए, चलिए स्टार्ट करिए होली। आजा बाबू, हैप्पी होली। तो हम लोग हो गए हैं गाइस रेडी और आज का ब्लॉग। सैंडल का व्हाइट फ्रॉक कहीं नहीं पहना है, व्हाइट फ्रॉक कहाँ गया, जल्दी से पहन के आ जा। नहीं पहन लो, चलो। सो गाइस हम लोग होली सेलिब्रेशन अबीर वाली के लिए रेडी हो गए हैं। सो अबीर हो गया हम लोग, देखिए बोलो हैप्पी होली। अभी कौन सा मौसम, सतेंद्र जी आइए ना, आइए। सो गाइस चल रहा है होली सेलिब्रेशन, हैप्पी होली, आज अबीर वाला होली है, हैप्पी होली। सो गाइस यहाँ पे हम लोग सब लोग फैमिली लोग मिलके भैया भाभी बहन जो लोग सब लोग एक दूसरे को होली लगा रहे हैं, मीठा वगैरह जो गुजिया बनता है ना वो सब नाश्ता में हम लोग बनाए हैं। नाश्ता में आज होता है ना कि गुजिया वगैरह खाना रहता है। तो
सो गाइस यहाँ पे हम लोग सब लोग एक फ़ोटो भी खिंचवा रहे होता है ना, होली पिक एक अलग ही होता है इस साल में एक बार, वाइट वाइट कपड़े तो मन में आ रहा है, होली सेलिब्रेशन के लिए बोल सकते हैं भाभी। आज हम लोग कौन सा होली मना रहे हैं? पुआ खा रहे हैं हम लोग, हैप्पी होली मनाते हैं। तो गाइस यहाँ अब हम मेरा सोनू जी का है फोटो तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग होली के गाना पे डांस करेंगे सब लोग मिलके एक साथ टीवी में लाउड स्पीकर बजा के, क्योंकि होली बिना डांस का अधूरा होता है और बिना फगुनाहट बिना फगुआ के गाना बजे अधूरा होता है। सो यहाँ पे हम लोग सब झूम रहे हैं। तो गाइस हम लोग फुल मस्ती कर रहे हो, आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और यहाँ पे हम मेरे सोनू जी और भैया भाभी लोग सब लोग मस्ती कर रहे डांस कर रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइए। गाइस यहाँ पे भाभी सब लोग होली सेलिब्रेशन करने आशीर्वाद सब लोग आए थे, हम लोग सब लोग अच्छे से होली मनाएं और अब ये लोग जा रहे हैं घर। सो सैड, और दो तीन दिन से टाइम का पता नहीं चला कैसे होली निकला और काफ़ी हम लोग इन्जॉय किए। तो आई होप आप लोग इन्जॉय किए, आप लोग इन्जॉय किए, खूब मस्ती किए होली में हम सब लोग, बहुत अच्छा लगा हम लोग को इस बार। ये मेरी नंद है, ये नंद है, मेरी नंद है भाई। हम कुछ हम कोई भी भाभी हम कोई नहीं है, हम नहीं पता कहाँ से आए हैं। सबका ननद भाभी सब लोग का होली का रिश्ता कुछ अलग ही है। नंद भाजाई भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। चलिए तो ये लोग बस जा रहे छोड़ने, फिर आके मिलते हैं आप लोग से ब्लॉग में, थोड़ा बहुत बात करना है आप लोग को। सो गाइस यहाँ पे खाना पीना हो गया और सोनम जी को भी जा रही है क्योंकि तीन दिन से मतलब होली सेलिब्रेशन हो रहा था, आज इनके यहाँ कुछ बर्थडे का पार्टी है तो अभी निकल रही हैं। यहाँ सब लोग जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली भैया सब लोग आए थे घर पे होली खेलने के लिए अबीर। तो आज हम बता रहे थे जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग होली दो दिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक दिन तो रंग वाली जो पानी वाली होती है डांस वाली और एक दिन अबीर वाली। तो आज मेरे मायके में भी है सरसा मंदिर, तो हम लोग दो दिन होली सेलिब्रेट किए हैं और सब जगह इस बार होली दो दिन ही है तो हम लोग बस एक सुखा है होली आज खेल लिए, जैसे कि अभी और सब लोग होली खेल के जस्ट अभी गए हैं। सब लोग खाना पीना खाएं, जो भी बना था आज सुबह का चौड़ी जो भी बनाए थे वो आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर भी किए हैं थोड़ा बहुत स्केप बनाने का। एंड फाइनली नंद जी भी चली गई अभी होली खेल के, टाइम हो रहा है 7:00 तो शायद उनका कुछ बर्थडे वर्थडे था, कहीं पार्टी में जाना था तो उस वजह से। एंड आज का कुछ स्पेशल इस तरह से रहा हम लोग का होली सेलिब्रेशन ब्लॉग। सो आई होप आप लोग ब्लॉग को इन्जॉय किएंगे। एंड आज का ड्रेस कोड मेरा वाइट वाइट ड्रेस था, सो ये मेरे हस्बैंड जी लाए थे और सारे फैमिली के लिए, जो कि आज हम लोग कुछ वाइट हम लोग में वाइट ड्रेस पहनते हैं, मतलब जो भी होता है नया कपड़ा पहनते हैं। तो आज हम बस ऐसे रेडी है, तो कैसे लग रहा है आपको कमेंट बताइए। मेरा चेहरा हो गया तो बिल्कुल ख़राब हो रखा है,
तीन दिन से बस अभी रंग रंग चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है इस बार होली में। टाइम का पता नहीं चला, सब लोग आ गए थे, फैमिली मेम्बर सब इंजॉय करते गए, बस बनाते खाते गए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से कुछ मेरा रहा आज का ब्लॉग। तो आप लोग अगर पसंद आएगा होली सेलिब्रेशन ब्लॉग तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं भी जा रही हूँ अभी वगैरह साफ कर लेती हूँ, तब तक आज बहुत थकावट हो गया, तीन दिन से बस कंटिन्यू चल रहा है होली पार्टी, होली फंक्शन में ये बना बोलना। तो इस तरह